साथियों आज बात करने वाला हूँ इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस आइजोल की ओर से 2022 में और एक भर्ती का नया नोटिफिकेशन निकाल कर आ चुका है, जिसके बारे में पूरा जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हो। सबसे पहले बता दे तो इस पोस्ट के अंदर जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगा सोल्जर GD जो जनरल ड्यूटी होता है, अभी सोल्जर नहीं कह के इनको अग्निवीर जनरल ड्यूटी कहा जा रहा है। तो इसमें आवेदन करने के लिए आपका 10th पास हो तो माध्यमिक पास होना चाहिए, साथ में 45% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। इसमें जो एज रखा 17.5 से 30 साल आपको रखा है, तो जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो माध्यमिक पास होना चाहिए। 17.5 से 30 साल का बीच में जो कैंडिडेट है उसके लिए एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर टेक्निकल दूसरी पोस्ट रखा, इसमें आवेदन करने के लिए आपका 10+2 12 पास होना चाहिए। इसमें आपको साइंस में 12 पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में 40% मार्क आपका होना चाहिए। इसमें जो एज रखा है 17.5 से 23 साल का बीच में जो कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें जो एज आपका काउंट किया जाएगा 1 अक्टूबर 1999 से लेके 1 अप्रैल 2005 का बीच में जिनका जन्म है वो इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकता है। तीसरी नंबर जो पोस्ट रखा है अग्निवीर क्लार्क स्टोर कीपर, इसमें आवेदन करने के लिए आपको 10+2 मतलब 12 पास होना चाहिए। इसमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से चल जाएगा, लेकिन आपका मार्क जो है 60% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क होना चाहिए। इसमें भी आपका एज 17.5 से 23 साल नहीं रखा, सभी पोस्ट के लिए 17.5 से 23 साल रखा। उसके बाद जो आपका अग्निवीर ट्रेडमेंट 10 पास, अग्निवीर ट्रेडमेंट 8 पास, जो कैंडिडेट अग्निवीर ट्रेडमेंट 10 पास में आवेदन करना चाहते हैं वो सिंपल सी 10 पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। जो ट्रेडमेंट 8 पास में आवेदन करना चाहता है उनको 8 पास सिंपल से होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क होना चाहिए। और इसमें भी एज आपका 17.5 से 23 साल ही रखा। उसके बाद आपका हाइट के बारे में दिया है, 160 सेंटीमीटर हाइट लिएगा GD के लिए। टेक्निकल के लिए आपका जो हाइट में 157 सेंटीमीटर रखा, बाकी सारी पोस्ट के लिए 160 आपका सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट आपका 77 नॉर्मल होना चाहिए, इसमें से 5 सेमी फुलाना होगा। अभी बता तो आपका फिजिकल के मेक पे क्या क्या होगा, 1.6 किमी आपको रन करना होगा, जो 5 मिनट 30 सेकंड से पहले आएगा उनको ग्रुप 1 में धरा जाएगा, उनको 60 मार्क दिया जाएगा। जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड का बीच में आएगा उनको ग्रुप 2 में धरा जाएगा, उनको 48 मार्क दिया जाएगा। रन क्वालिफाई करने के बाद आपका पुलअप्स होगा 10 मारने से 40 मार्क, 9 मारने से 33 मार्क, 8 मारने से 27 मार्क, 7 मारने से 21 मार्क, 6 मारने से 16 मार्क मिलेगा। उसके बाद आपका 9 फीट डिच होगा, ये नेट क्वालिफाई जिगजैग होगा नेट क्वालिफाई। इसके बाद आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, जो फिजिकल में कंप्लीट करेगा उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके अगले दिन जो मेडिकल क्वालिफाई करेगा उसको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और इसके आधार पर आपका फाइनल मेरिट दिया जाएगा। अभी बात करता हूँ कौन से स्टेट के लिए ये भर्ती निकल के आया। मैं पहले आपको बताया यह जो भर्ती निकल के आया आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस आइजोल की ओर से निकल के आया। यहाँ पर देख लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन आपका 5 अगस्त 2022 से आपका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा 3 सितंबर 2022 तक। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ये जो भर्ती निकल का है आर्मी देख लीजिए रिक्रूटिंग रैली नोटिफिकेशन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस आइजोल मिजोरम की ओर से निकल के आया है। इसमें आवेदन आप कब से करना है उसके बारे में आपको बता दिया हो। और यहाँ पर देख लीजिए 4 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 का बीच में आपका रैली होगा और रैली जो होगा ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। यहाँ पर देख लीजिए जो भर्ती निकल के आया सिर्फ मिजोरम स्टेट के लिए भर्ती निकल के आया, मिजोरम स्टेट का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। आपका रैली जो होगा राजीव गांधी स्टेडियम में आपका रैली होगा आइजोल मिजोरम के अंदर। तो सारी चीज़ आपको बताया मैंने, ये कहाँ से कब तक अप्लाई करना और रैली कब होगा उसके बारे में भी आपको मैंने यहाँ पर बताया। 4 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 के बीच में आपका रैली होने वाला है और आपका एडमिट कार्ड जो है रैली से 10 से 15 दिन पहले आपका रजिस्टर्ड जो ईमेल है उस पर भेज दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना और एडमिट कार्ड लेके आप रैली के साइट में पहुंच जाना। तो साथियों पूरी चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया, रैली कब से कब तक होना, कैसे अप्लाई करना, कौन इसके लिए एलिजिबल है, सब कुछ मैंने बता दिया।
बसते, फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेरी बसते तो वीडियो का नीचे कमेंट करिए, उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।